वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन कुर्ती हॉल। ये बजट हॉल है, लाइक अंडर 1000 रुपीज के कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि गर्मियों के लिए परफेक्ट है। लाइक समर्स की कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे पिक करा है कुर्तीज जो आप डेली वेयर में यूज कर सकते हैं, लाइक ऑफिस, कॉलेज और डेली यूज के लिए जो परफेक्ट हो। एंड कुछ कुर्तीज मैंने ऐसे पिक करे हैं जो गर्मियों के टाइम पे छोटी मोटी पार्टीज होती है, कोई गेट टूगेदर होती है, तो उसके लिए भी पिक करा है, जिस आप कंफर्टेबल भी फील करो एंड थोड़े स्टाइलिश भी लगो। ऑफिस की पार्टी हो गई, कोई बर्थडे पार्टी हो गई, तो उस टाइम पे आप बहुत प्लेन कुर्तीज भी पहनोगे तो पार्टीज में अच्छी नहीं लगती। और समर्स के टाइम पे, डे के टाइम पे हम बहुत ज्यादा हेवी कपड़े भी पहनना नहीं चाहते, तो उसके लिए भी मैं कुछ कुर्तीज दिखाऊंगी एंड डेली वेयर के लिए भी कुछ कुर्तीज दिखाऊंगी। सो आपके रिक्वेस्ट पे मैं बहुत सारे बजट वीडियोस बैक टू बैक कर रही हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो जनरली अच्छे लगते हैं, आप उन्हें देखते हो, एंजॉय करते हो, तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। वीडियो शुरू करते हैं छोटे मोटे समर्स के पार्टीज वाले कुर्ती से, जो आप छोटे मोटे पार्टी गेट टुगेदर में वेयर कर सकते हैं। सो ये मेरी पहली कुर्ती है एंड कुछ इस तरीके से ब्लू व्हाइट में प्रिंटेड कुर्ती है। ये 3/4 स्लीव्स के साथ है एंड देखने में बहुत ही समरिश कुर्ती भी लग रही, बहुत ही समरिश प्रिंट इस पे बनी हुई है एंड बहुत ही सिंपल कुर्ती। आपको लग रहा होगा कि लाइक ये कुर्ती पार्टीज में, तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो कुर्ती के जो नीचे की डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक आप देख सकते हैं पूरी टैसल बनी हुई है। बैक साइड पे भी बिल्कुल सेम प्रिंट्स है और सेम कट के साथ है ये कुर्ती। एंड साइड पे डोरी आती है, जैसे टाई करके एक अच्छी फिटिंग मिल जाती है, आपको एक अच्छी लुक मिल जाती है। ये कुर्ती की जो नीचे की कट है उसको ये कुर्ती बहुत ही स्टाइलिश बना रही है एंड छोटे मोटे पार्टीज के लिए परफेक्ट है। आप इसे डेली यूज में, ऑफिस में भी पहनकर जा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। सो इसमें मेरा साइज मीडियम है, मटेरियल कॉटन है, मटेरियल बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छी दे रही है। सो मैं इस कुर्ती को 100% रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट छोटे मोटे पार्टी वाले जो कुर्ती है वो ये है, नेक के साथ है। ये थ्रेड वर्क आती है कुर्ती पे एंड स्लीव्स इसकी कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको ये डिजाइन मिल जा रही है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 फ्लावर्स है। सो फ्रॉक कुर्ती है ये, नीचे कुछ इस तरीके से इसके डिजाइन बनी हुए, नीचे तक ये पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं, बैक पूरी प्लेन है इसकी। इस कुर्ती पे वर्क दी हुई है वो बहुत ही फाइन फिनिशिंग वर्क है, ये आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड मटेरियल इसका रेयॉन है। इस पे भी मेरा साइज मीडियम है, बहुत ही लाइट सी थ्रू है कुर्ती, डार्क कलर है, इसलिए स्पेगेटी आपको मस्ट नहीं है कि इस पे वेयर करनी पड़ेगी। तो मटेरियल काफी अच्छी है, मुझे मटेरियल बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस टाइप की मटेरियल मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, स्टाइलिश भी है, पार्टीज में आप आराम से इसे कैरी कर सकते हैं। ये डेली यूज वाली कुर्ती नहीं है, ये पार्टीज में बहुत अच्छी लगेगी एंड कोई भी छोटी मोटी पार्टीज में भी बहुत अच्छी लगेगी। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. This conversation, we got no relation. नेक्स्ट कुर्ती जो है वो भी पार्टी वेयर कुर्ती है, कुछ इस तरीके से इसके नेकलाइन है, राउंड नेक के साथ है एंड पूरी नेकलाइन पे ये थ्रेडवर्क आ रही है। और थ्रेडवर्क में दिखा दूँ, बहुत ही फिनिशिंग वाली थ्रेडवर्क है, कोई भी धागा आपको निकली हुई नहीं मिलेगी यहाँ पे, बहुत ही फाइन लग रही है। एंड स्लीव्स कुछ इस तरीके से 3/4 स्लीव्स है एंड यहाँ पे फॉइल प्रिंट दी हुई है, यहाँ तक आपको पूरी थ्रेडवर्क मिल रही है एंड उसके नीचे इस कुर्ती पे पूरी फॉइल प्रिंट्स मिल रही है, कुछ इस तरीके की फॉइल प्रिंट है।
सो ये कुछ इस तरीके से ए लाइन कुर्ती है, फ्लेयर्ड हेम है इस पे, एंड बेस्ट पार्ट इस कुर्ती की है कि यहाँ पे आपको पूरी साइड कट मिल रही है साइड से कुछ इस तरीके से, जो कि आपको लुक बुक में बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ जहाँ से कट शुरू होती है यहाँ पे एक डोरी दी हुई है। तो इसका मटेरियल रेयन मटेरियल है, मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत लाइट मटेरियल है, साइज मेरा मीडियम है, तो कुर्ती जो है वो बहुत ही लाइट सी थ्रू है। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा वर्क दिया हुआ है तो आपको स्पेगेटी वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। बैक साइड जो है वही थोड़ी सी थ्रू लग रही है क्योंकि फ्रंट पे बहुत वर्क है जिसके वजह से कुर्ती उतनी सी थ्रू नहीं लग रही है। नीचे ये बॉर्डर दी हुई है रेड कलर की। सो कॉम्बिनेशन इसकी बहुत अच्छी, बहुत कलरफुल कुर्ती है, ब्लू में लाइक ऑरेंज रेड कलर जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है पहनने के बाद ये, तो मुझे ये कुर्ती भी काफी पसंद आई। जो आप ऑफिस कॉलेज एंड डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की कुर्ती है, नेकलाइन पे यहाँ येलो स्ट्राइप्स बनी हुई है एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन आ रही है। यहाँ पे टैशल दी हुई है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको ब्लू एंड येलो की स्लीव्स मिल रही है और बैक जो इसकी है वो पूरी इस तरीके से प्लेन है। डिजाइन की बात करूं तो पूरा ये ऊपर से कपड़े का डिजाइन बना हुआ है कुछ इस तरीके से आप देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस और खूबसूरत ये कुर्ती लग रही है। टाइट स्लिट के साथ ये कुर्ती है एंड इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मटेरियल कॉटन है कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कपड़ा बहुत ही सुपर फाइन है। ये मेरा साइज मीडियम है, बहुत ही अच्छी कॉटन मटेरियल है, ये पहनने में मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी, बहुत स्टाइलिश भी ये कुर्ती लग रही है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी, बट मैं इस पे सजेस्ट करूंगी कि एक साइज आप अप ले, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये श्रिंक होने के बहुत चांस है। वो भी डेली यूज ऑफिस वेयर कुर्ती है एंड ये कुर्ती मैंने अपने लास्ट इंट्रो में पहना था, जिसको बहुत लोगों ने क्वेश्चन की थी कुर्ती कहाँ से है। सो ये कुर्ती मैंने वेयर करी थी, ब्लैक कलर की बहुत ही सिंपल एलिगेंट कुर्ती है। ये राउंड नेक के साथ है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स है एंड ये थ्रेड वर्क कुर्ती पे बनी हुई है स्लीव्स पे एंड सेम थ्रेड वर्क यहाँ पे भी बनी हुई है कुछ इस तरीके से। प्लेन सिंपल कुर्ती है, साइड स्लिट के साथ है एंड नीचे बिल्कुल प्लेन है, कोई भी डिजाइन नहीं है फ्रंट पे एंड बैक भी पूरी प्लेन है। ये कुर्ती ब्लैक कुर्ती मैंने लिया है समर्स के टाइम पे, लाइक बहुत लोग ब्लैक प्रेफर नहीं करते हैं, बट ब्लैक कुर्ती जो होती है ना व्हाइट चूड़ीदार प्लाजो और व्हाइट दुपट्टा के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मुझे एक ब्लैक कुर्ती बहुत टाइम से चाहिए थी। सो ये मैंने मंगाया है एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है, बट इस पे मैं सजेस्ट करूंगी एक साइज अप लेने को क्योंकि मुझे थोड़ी सी टाइट हो रही है। सो मटेरियल इसका कॉटन है एंड कुछ इस तरीके से ये मटेरियल सी थ्रू है। सो ब्लैक है तो ब्लैक में बहुत ज्यादा सी थ्रू नहीं लगती है पहनने के बाद, बट मटेरियल सी थ्रू है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ब्लैक स्पेगेटी आपको वेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए तो एकदम परफेक्ट कुर्ती है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग आपको और भी बहुत सारे कुर्तीज़ ब्लैक में मिल जाएंगे थोड़े कम प्राइस में, तो मैं इसे उतना रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको बहुत अच्छी लग गई तो आप ले, वरना कम प्राइस में भी आपको ब्लैक कुर्तीज़ बहुत सारी मिल जाएगी।
एंड ये अगेन सिंपल डेली वेयर कुर्तीज में है और कुछ इस तरीके से इसका कलर है मस्टर्ड कलर एंड ब्राउन कलर. सो येलो के बिना मुझे मेरी हॉल जो होती है वो इनकम्प्लीट लगती है. सो कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन है, बोट नेकलाइन है इसकी एंड यहाँ एक टैसल बनी हुई है. थ्री क्वार्टर स्लीव है, स्लीव के डिजाइन कुछ इस तरीके से है और इस पे मेरा साइज मीडियम है. फ्रंट पे प्लेन है एंड साइड पे डिजाइन मिल रही है दोनों तरफ और जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक फ्लावर मिल रही है. सो फ्रंट पे आपको यहाँ पे दो स्लिट मिल रही है, एक ये और एक इस तरीके से, जो कि इस कुर्ती को बहुत ज्यादा स्टाइलिश बना रही है. साइड स्लिट भी आपको मिल रही है, लाइक साइड पे स्लिट है फ्रंट पे दो स्लिट है, तो इस वजह से कुर्ती बहुत स्टाइलिश लग रही है. बहुत ही सिंपल कुर्ती है, बहुत एलिगेंट है, बहुत क्लासी लुक दे रही है. मटेरियल इसका अगेन कॉटन है एंड कुछ इस तरीके से मटेरियल है जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ. कुर्ती ये सी थ्रू है, स्पेगेटी आपको वेयर करनी पड़ेगी बट मटेरियल अच्छी वाली है. ऐसा नहीं कि सी थ्रू है तो मटेरियल खराब है, मटेरियल मुझे बहुत पसंद आई, काफी कंफर्टेबल है एंड बहुत क्लासी लग रही है. ऑफिस के लिए परफेक्ट कुर्ती है ये. सो मैं ऐसे भी रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है वेयर करने के बाद. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because आज का Amazon कुर्ती हॉल आपको पसंद आया हो. पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट में जरूर से बताना, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करो एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.